So musa number 11. X to the power 3 plus x square plus x plus 1 is equal to 2x square plus x dx. क्या हो जाएगा ये? ये हो जाएगा dy is equal to 2x square plus x upon x to the power 3 plus x square plus x plus 1 dx. Integration both sides. Taking integration. ये क्या हो जाएगा? Is equal to 2x square plus x divided by, देखिए यहां पर x square common है, तो कितना हो जाएगा? x plus 1 plus 1 x plus 1 dx. तो इसमें क्या common हो जाएगा? 2x square plus x divided by x plus 1 x square plus 1 dx. तो क्या लिख सकते हैं इसे? अब हम इसको सॉल्व करेंगे by partial fraction से. कैसे? 2x square plus x upon x plus 1 और ये हो जाएगा x square plus 1. इसे हम ले सकते हैं a upon, देखिए ये linear equation है, तो x plus 1, it is quadratic equation, bx plus c upon x square plus 1. LCM x plus 1 और ये हो जाएगा x square plus 1. इसको मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो a x स्क्वायर प्लस 1 और इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी b x स्क्वायर प्लस b x प्लस c x प्लस c. अब ये हो जाएगा, इसमें से देखिए, इसमें से पहले हम x स्क्वायर कॉमन लेंगे a प्लस b, फिर x कॉमन लेंगे b प्लस c, यहां पर आएगा इस पीस में मल्टीप्लाई करके a, फिर कांस्टेंट आ जाएगा यहां पर, हमने x कॉमन लिया प्लस a प्लस c डिवाइडेड बाय x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1. ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1. कंपैरिजन बोथ साइड क्या करेंगे हम? यहां देखिए a plus b is equal to, यहाँ पर x square का coefficient a plus b है, इधर x square का coefficient है 2. Now b plus c is equal to x का coefficient है 1 और तीसरा है a plus c is equal to 0. यहां पर तीन इक्वेशन आपकी बनती है, a plus b is equal to 2, b plus c is equal to 1 और a plus c is equal to 0. अब यहां से हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. क्या करें? सबसे पहले इक्वेशन 1 एंड 2 को घटा दें, a plus b, b plus c is equal to, ये 2 है और ये 1, minus minus minus, this is cancel, a minus c is equal to 1. इक्वेशन नंबर 4. अब 3 एंड 4 को ऐड कर दें, कितना आ जाएगा ये? दिस इज कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 1, दैट मींस a इज इक्वल टू 1 अपॉन 2. a की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट कर दें तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन 2. a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो क्या हो जाएगा? b is equal to 2 minus a, that means 2 minus 1 by 2, 4 minus 1 by 2 is equal to 3 upon 2. हमारी a की भी वैल्यू आ गई, b की भी, c की भी. ये वैल्यू हम यहां पर पुट करें तो कितना हो जाएगा? 2x square plus x divided by x plus 1 x square plus 1 is equal to, a की वैल्यू है 1 upon 2 x plus 1 plus b की वैल्यू है हमारी 3 upon 2 x minus 1 upon 2 upon x square plus 1.
ये हो जाएगा 1 by 2 x plus 1 plus 3 upon 2 x upon x square plus 1. हमने इसको separate कर लिया, minus 1 upon 2 x square plus 1. अब हम ये value उठाकर equation 1 में put कर देंगे integration के लिए. तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? From equation 1. इसका integration हो गया, y is equal to integration of 1 by 2 1 upon x plus 1 dx plus 3 upon 2 x upon x square plus 1 dx minus 1 upon 2 1 upon x square plus 1 dx. 1 upon 2 इसका इंटीग्रेशन होगा log x plus 1. देखिए इसको यदि हम t पुट कर दें तो क्या आएगा? 2x, 2x से ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा प्लस 3 अपॉन 4 log x स्क्वायर प्लस 1. डायरेक्ट लिख दिया ये मैंने, और यहां पर ये हो जाएगा माइनस 1 बाय 2 tan इनवर्स x प्लस कांस्टेंट c. y इज इक्वल टू, अब देखिए यहां पर y की वैल्यू 1 दी हुई है और x की वैल्यू 0. ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करके c की वैल्यू निकालेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया. इज इक्वल टू, हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा log x plus 1 plus 3 upon 4 log x square plus 1 minus 1 by 2 tan inverse x plus c. तो ये हो जाएगा 1 by 4 हमने common ले लिया, log x plus 1 का whole square plus log x square plus 1 की power 3 minus 1 by 2 tan inverse x plus c. अब यहां पर हम इसमें log m plus log n का फॉर्मूला लगा देंगे, ये हो जाएगा log x plus 1 का होल स्क्वायर into x स्क्वायर plus 1 की होल पावर 3. log m plus log n क्या होता है? log m multiply log n minus 1 by 2 tan inverse x plus c. अब हम इसमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, यहां पर ये 1 हो जाएगा, ये 1 by 4 log 0 यानी कि 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0 plus 1 की पावर 3 minus 1 by 2 tan inverse 0 plus c. log 1 की वैल्यू क्या होती है? 0, और tan inverse वैल्यू की भी 0 होती है, ये 1 is equal to c. c की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहां पर इक्वेशन नंबर आपकी फोर्थ की यहां पर ये हो जाएगी y, और ये हो गया आपकी 6. यहां पे पुट कर देंगे y is equal to 1 by 4 log x plus 1 का whole square x square plus 1 की power 3 और minus 1 by 2 tan inverse x plus 1. That is your answer. Please make a note. Now solution number 12. x square minus 1 d dx y is equal to 1, तो यहां से हो जाएगा dy is equal to 1 upon x और x square minus 1 dx, taking integration both side. तो क्या लिख सकते हैं इसे? पहले से partial fraction से break करेंगे हम, क्या लिखेंगे? 1 बटे x और x square minus 1, 1 बटे x, x minus 1, x plus 1. इसको हम ले सकते हैं a upon x plus b upon x minus 1
प्लस सी अपॉन एक्स प्लस वाई। यहाँ पर ये है लीनियर इक्वेशन, तो शॉर्टकट मेथड से हम सॉल्व करेंगे इसे। फोर ए, ए के लिए क्या पुट करेंगे हम, एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इसको रख लेंगे वन अपॉन जीरो माइनस वन और जीरो प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन। और बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पुट कर देंगे एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से एक्स इज इक्वल टू वन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा वन अपॉन, अब इसको ढक लेंगे और इसमें वैल्यू पुट करेंगे वन इंटू वन प्लस वन मीन्स वन अपॉन टू। और सी की वैल्यू पुट करने के निकालने के लिए, सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पुट करेंगे एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो सी इज इक्वल टू वन अपॉन, ये आ जाएगा माइनस वन माइनस वन और माइनस, यानी कि वन अपॉन टू। ए की वैल्यू माइनस वन, बी की वैल्यू वन अपॉन टू और सी की वैल्यू वन अपॉन टू, तो क्या हो जाएगा ये वैल्यू अगर हम यहां पर पुट करें, वन बटे एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शन से क्या हो जाएगा माइनस वन बटे एक्स प्लस वन बटे टू एक्स माइनस वन और प्लस वन बटे टू एक्स प्लस वन। अब ये सारी वैल्यू आप इक्वेशन वन में पुट करके उसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन बटे एक्स डीएक्स प्लस वन बाई टू एक्स माइनस वन डीएक्स और प्लस वन बाई टू एक्स प्लस वन डीएक्स। y इज इक्वल टू माइनस, इसका इंटीग्रेशन होगा log x, वन बाई टू log x माइनस वन और फिर हो जाएगा यहां पर प्लस वन बाई टू log x प्लस वन और कॉन्स्टेंट हम ले लेंगे यहां पर c। इस पूरी इक्वेशन में से हमने वन बाई टू कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो गया माइनस टू log x प्लस log x माइनस वन प्लस log x प्लस वन और प्लस c हो जाएगा। log के फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, ये वन बाई टू, ये हो जाएगा log x स्क्वायर प्लस log x माइनस वन और x प्लस वन प्लस c। log m प्लस log n होता है log m इंटू n, वन बाई टू ये डिवाइड वाला फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर log x स्क्वायर माइनस वन बटे x स्क्वायर प्लस c, ये y इज इक्वल टू। अब यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि y इज इक्वल टू जीरो x इज इक्वल टू टू, पुट कर दो इसमें, पुट y इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू टू, तो जीरो इज इक्वल टू वन बाई टू log टू, टू का स्क्वायर कितना हो गया फोर माइनस वन अपॉन फोर प्लस सी, कितना हो जाएगा ये माइनस लॉग थ्री अपॉन फोर प्लस सी इज इक्वल टू सी। इसे पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर टू में, क्या होगा टू में पुट करने पर, y इज इक्वल टू वन अपॉन टू log x स्क्वायर माइनस वन अपॉन x स्क्वायर और माइनस log थ्री अपॉन फोर, दैट इज योर आंसर, प्लीज मेक इट। नाउ सॉल्यूशन नंबर 13, यहां पर देखिए cos ddx y इज इक्वल टू a, तो यहां से क्या आ जाएगा ddx y इज इक्वल टू cos इनवर्स a,
dy is equal to cos inverse a dx, taking integration both sides, y is equal to cos inverse a into 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x plus c. यहां से हम y is equal to 1 and x is equal to 0 पुट कर दें तो क्या जाएगा 1 is equal to cos inverse a into 0 plus c. तो यहां से c की वैल्यू आ जाएगी 1. इसे हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो y is equal to cos inverse a x plus 1. या तो आप आंसर यहीं पर लेफ्ट कर सकते हैं या फिर इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं. क्या लिखे हम y minus 1 y minus 1 is equal to x cos inverse a. y minus 1 divided by x is equal to cos inverse a. That means cos y minus 1 is equal to a. आप आंसर, that is your answer या फिर this is your answer. Please make it up. Now solution number 14. क्या करेंगे यहाँ से d dx y is equal to y tan x. सेपरेट कर लेते हैं इसको. ये जाएगा d y और y is equal to tan x dx. इंटीग्रेशन बहुत सारे है. log y is equal to, इसको हम लिख सकते हैं log sec x plus constant log c. क्या लिख सकते हैं इसको log y is equal to log c sec x. इक्वेशन नंबर 1. अब इसमें हम क्या पुट कर दें, पुट कर देंगे y is equal to 1 और x is equal to 0. तो क्या हो जाएगा इसमें पुट कर दें यहां पर तो ये हो जाएगा log 1 is equal to log sec 0 plus log c. तो कितना हो जाएगा यहां पर इसकी भी वैल्यू 0, इसकी हो जाएगी log 1 plus log c. तो c की वैल्यू आपकी आ गई 0. तो हम यहां पर रखेंगे प्लस log c. अब यहां पे c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी log c की वैल्यू आपकी आ गई 0. तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका ये वैल्यू हो जाएगी log y is equal to log sec x plus 0. तो y is equal to sec x. That is your answer. log c की वैल्यू 0 है. प्लीज मेक इट अप. नाउ सॉल्यूशन नंबर 15. ये जाएगा dy इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x dx. इंटीग्रेशन बोथ साइड. ये इक्वेशन नंबर 1 या फिर इसको लिख लेंगे y इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x dx. ये इक्वेशन नंबर 1 है. हमने मान लिया i इज इक्वल टू e टू द पावर x sin x dx. इक्वेशन नंबर 2, ये फर्स्ट और ये सेकंड है. आइलेट के फॉर्मूले से या इसको फर्स्ट मान लो इसको सेकंड मान लो. तो क्या करेंगे अब हम e टू द पावर x रखा रहेगा और इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो जाएगा cos x लेकिन माइनस में. माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन माइनस cos x प्लस dx. अगेन फिर इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे बाई पार्ट से. इसको हमने फर्स्ट मान लिया इसको सेकंड. e टू द पावर x और sin x हो या e टू द पावर x cos x हो तो आप किसी को भी फर्स्ट मानो किसी को भी सेकंड,
आइलेट के फॉर्मूले से भी आप 5 पर सेकंड मान सकते हैं, वैसे भी मान सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, e टू द पावर x sin x हो या e टू द पावर x cos x हो। अगेन कितना हो जाएगा ये प्लस e टू द पावर x रखा रहेगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x माइनस e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, फिर इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स और फिर पूरे का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा प्लस ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। ये हमने क्या माना था आई फ्रॉम इक्वेशन नंबर टू से, तो ये बराबर हो जाएगा आई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स कोस एक्स। इसको मैंने पहले लिख लिया, इसको बाद में माइनस आई, आई को इधर ले आए तो कितना हो जाएगा ये टू आई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स कॉमन ले लिया साइन एक्स माइनस कोस एक्स, आई इज इक्वल टू और ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी। इस वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देंगे, putting in equation 2 में पुट कर लो या 1 में, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 में पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू ई टू द पावर x अपॉन 2 साइन x माइनस कोस प्लस सी। अब ये जो आपकी इक्वेशन है ये पास कर रही है ओरिजिन 0 0 से, तो यहां पर हम x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 पुट करके c की वैल्यू निकालेंगे, e टू द पावर 0 अपॉन 2 sin 0 माइनस cos 0, तो यहां से c की इसकी वैल्यू 1 और ये cos 0 की वैल्यू 1, तो ये इधर आके कितना होगा c की वैल्यू हो जाएगी 1/2, तो y इज इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन 2 साइन एक्स माइनस कोस एक्स और प्लस 1/2, दैट इज योर आंसर। नाउ सॉल्यूशन नंबर 16, हमें कर्व बताना है तो सेपरेबल मेथड से क्या हो जाएगा ये y अपॉन y प्लस 2 dy x प्लस 2 अपॉन x, x को हम इधर ले गए और इसको हम इधर ले आए, तो क्या हो जाएगा ये इंटीग्रेशन बोथ साइड 1 माइनस 2 अपॉन y प्लस 2 जब हम इसको डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y माइनस 2 log y प्लस 2 1 अपॉन y प्लस 2 का, और इधर हो जाएगा x प्लस 2 log x प्लस c। अब देखिए ये कहां से पास कर रहा है आपका दिस पॉइंट, तो y की वैल्यू माइनस 1 माइनस 2 log माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 log 1 प्लस c, ये log 1 हो गया ये भी log 1 हो गया, इसकी भी वैल्यू 0 और इसकी भी वैल्यू 0, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 प्लस c माइनस 2 इज इक्वल टू c। इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये y माइनस 2 log y प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 log mod x प्लस और माइनस 2, इस 2 को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 log y प्लस 2 और प्लस x प्लस 2 log x, और इसे चेंज करना चाहें तो इसकी पावर ले जा सकते हैं इसको,
या फिर यहीं पर आप क्वेश्चन को लेफ्ट भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा लॉग वाई प्लस टू का होल स्क्वायर और इनटू में एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये एक्स स्क्वायर हो गया, इन दोनों में लॉग एम प्लस लॉग एम का फॉर्मूला बन गया प्लस एक्स, दैट इज आंसर। सॉल्यूशन नंबर 17, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 माइनस 2 गिवन दैट एट ए पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज इक्वल टू द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने दिया है कि वाई और स्लोप इज इक्वल टू एक्स, तो क्या हो जाएगा यहां से y dy इज इक्वल टू एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन बहुत साइड वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, टू से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर वन। और जो ये पॉइंट है जीरो माइनस टू, पॉइंट जिस पॉइंट से ये कर्व पास कर रहा है वो जीरो माइनस टू, यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे 4 इज इक्वल टू 0 प्लस 2 सी, ये वैल्यू इक्वेशन 1 पुट कर देंगे, पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4, दैट इज योर आंसर। प्लीज मेक इट अप। Now, solution number 18. At any point xy of a curve, the slope of tangent is twice the slope of the line segment joining the point of contact to the point minus 4, minus 3. Find the equation of the curve given that it passes through minus 2 or 1. ये दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, इसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिए एक्स और वाई, और बी के कोऑर्डिनेट है हमारे माइनस फोर माइनस थ्री। उसने ये कहा कि जो स्लोप है इसका स्लोप निकाल लीजिएगा, कितना आ जाएगा वाई प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस फोर। इट इज गिवन दैट कि जो स्लोप है डी डी एक्स वाई इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री अपॉन एक्स प्लस फोर, इसका ट्वाइस ये स्लोप है, तो ये हो जाएगा हमारा वन अपॉन वाई प्लस थ्री डी वाई इज इक्वल टू टू अपॉन एक्स प्लस फोर डी एक्स, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा log y plus 3 is equal to 2 log x plus 4 plus c। अब ये पास कहां से कर रहा है, ये पास कर रहा है minus 2 और 1, it passes through minus 2 और 1, ये वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे, ये हो जाएगा log 1 प्लस 3 इज इक्वल टू लॉग, ये आपका आ जाएगा 2 लॉग माइनस 2 प्लस 4 प्लस सी, ये हो जाएगा लॉग 4 इज इक्वल टू 2 लॉग 2 प्लस सी। क्या लिख सकते हैं इसको, log 4 is equal to log 2 की पावर 2 प्लस c, that is cancel, c is equal to 0, ये वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, ये हो जाएगा log y plus 3 is equal to 2 log x plus 4 plus 0, तो ये हो जाएगा log y plus 3 is equal to
log x plus 4 का होल स्क्वायर. कंपैरिजन बोथ साइड तो ये आ जाएगा y plus 3 is equal to x plus 4 का होल स्क्वायर या y is equal to x plus 4 का होल स्क्वायर minus 3. That is your answer.